नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? नमस्कार जी, मैं जीवा खुद से आया हूँ, जिला जींद से। तो क्या समस्याएं थी जिसको लेकर आप श्री गोविंद धाम पहुँचे? जी, मेरे को काफ़ी सारी समस्या थी। घर में भी क्लेश वगैरह रहता था और बीमारी वगैरह ज़्यादा रहती थी घर में, तो इसीलिए मैं किसी ने मेरे को बताया था कि आप एक बार गतौली गाँव में जाओ, तो मैं यहाँ आया था। मैंने जब उस टाइम तो गुरु जी गाँव में बैठते थे, तो मैं वहाँ के गुरु जी से मिला था जी। लेकिन शुरुआत में मैं इतना डर गया था कि गुरु जी से मैं कुछ कह नहीं पाया था जी। तो उसके बाद मैं कई बार आया तो गुरु जी से बात हुई, गुरु जियों के से बात होने के बाद मन को थोड़ी शांति भी मिली मेरे को जी। तो घर में भी थोड़ी बहुत बरकत होने लगी। तो ऐसे ही काफी टाइम हो गया, फिर मेरे साथ मेरा परिवार भी आने लग गया। मेरी माता को बहुत ज्यादा दिक्कत थी उसके, मतलब TLC खून में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता था जी। डॉक्टरों ने तो कभी डॉक्टरों ने तो मना भी कर दिया था कि ये नहीं बचेगी। तो मैंने हरियाणा में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैंने अपनी माता को नहीं दिखाया चंडीगढ़ इलाज के लिए। चंडीगढ़ वगैरह क्या नाम है कुछ इसमें भी रोहतक भी सभी जगह दिखाया मैंने जी। लेकिन मेरी माता को कहीं आराम नहीं मिला जी। तो तब मैं गुरुजी के अर्थ आर के गुरुजी के पास आया था, तो गुरुजी ने फिर बोला था मेरे को कि इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको घर ले जा, भगवान का नाम लेगी और इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो गुरुजियों ने अपने अध्यात्म से अपने बल से उसको ऐसे ठीक किया, आज मेरी माता हमारे साथ में बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा कि आपने बताया कि उनकी TLC काफ़ी हाई लेवल पर रहती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा उनके ब्लड में और दवाइयाँ दिलवाई ठीक नहीं हुई, और फिर ऐसा क्या किया कि आप गुरुजी के पास आए और उन्होंने कहा कि घर पे रखो और इनको मैं ठीक कर दूंगा, तो वो क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी, कैसे ठीक किया उनको? गुरुजियों ने कुछ नहीं बोला हमको, हमको बोला सिर्फ भगवान का नाम लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, सारा काम मैं अपना आप करूँगा। तो गुरुजियों की कृपा ऐसी हुई ना, तो कभी मेरी माँ को दर्द हुआ ना भाई कोई दिक्कत हुई शारीरिक या मानसिक, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरी माँ ने भी भगवान के नाम लिए और मेरी माँ आज बिल्कुल ठीक है। खाली एक परमात्मा का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से उनकी बीमारी ठीक हो गई, वो स्वस्थ है अभी। तो ऐसा क्या प्रक्रिया थी जो कि, वैसे भगवान का नाम सब लेते हैं अपने हिसाब से, अपने घर में मंदिर में जाके या जैसा भी रहता है सब लेते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि भगवान का नाम लो या परमात्मा रटो और बीमारी ठीक हो जाती है, वो ऐसा क्या जुड़ाव है, क्या प्रोसेस रहता है ये तो जी गुरुजी को पता, हमें तो पता नहीं चलता, हमें तो सिर्फ बोला जाता है कि भगवान का नाम लो, बाकी मैं मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको देखूंगा। ये तो गुरुजी कोई ऐसे ताबीज गंडा या कुछ ऐसा नहीं देते कि भाई ये खा लो आप और ठीक हो जाओगे? नहीं जी, गुरुजी कुछ भी नहीं देते, सिर्फ कुछ भी ना कोई पैसा वगैरह लेते, सिर्फ बोलते हैं कि भगवान का नाम ले लियो, बाकी मेरी जिम्मेवारी सब मैं करूँगा। कितने टाइम से आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं? मैं मैडम जी लगभग 8-9 साल से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो इस 8-9 साल के दौरान आपने गुरुजियों का व्यक्तित्व, उनका व्यवहार कैसा देखा? बहुत बढ़िया व्यवहार है जी, हमने आज तक कोई कमी नहीं मिली। लोग तो कुछ ही बोलते हैं, अभी जगह देखा है गुरुओं के बारे में, कहीं कुछ हो गया, कहीं रेड पड़ गई, कहीं कुछ हो गया, लेकिन हमारे गुरुजी के पास आज तक कोई ऐसी वो नहीं है, हमारे लिए तो भगवान है वो जी। और हमें तो इसकी व्यक्तित्व की भी है बहुत बढ़िया है, सभी से अच्छी तरह से बात करते हैं, इसमें ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी को सम्मान दर्जा दिया जाता है, यानी कि सबको समान भाव से देखा जाता है, सबकी समान भाव से समस्याएं सुनी जाती है और ठीक की जाती है जी। जी, हमारे जो दर्शकगण हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा, एक बार गोविंद धाम में जरूर आए, एक बार आके देखो, सभी का आराम होगा और शारीरिक और मानसिक सारी बीमारियां सभी कुछ गुरु जी अपना आप ठीक कर देते हैं। तो जो ठीक करते हैं उनके लिए कुछ पैसा दान दक्षिणा कुछ ऐसी ली जाती है? जी नहीं, कोई दान दक्षिणा कोई पैसा नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ भगवान का नाम लो, गुरुजी नाम दान देते हैं, नाम दान लो और सभी कुछ ठीक हो जाता है। यानी परमात्मा रटो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ, शारीरिक मानसिक और आर्थिक जो भी समस्याएं हैं आप ही सब दूर हो जाए। जी 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 बिल्कुल, सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं, इसमें और कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।